बैक इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब घर में पैक हो गए होंगे और बहुत बोर हो रहे होंगे कि मैं सर करूं क्या, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक दो लोगों ने मुझे कल कॉल भी किया था और कॉल करके बोला सर मैं बहुत परेशान हूं, फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं, घर में बैठ के करूं क्या। और मैं इसको थोड़ा सा अवसर की तरह देखता हूं, मींस पॉजिटिव थोड़ा सा अगर सोचो, क्योंकि अब अपने पास कोई काम नहीं। मैं भी अपने खेत के सामने बैठा हूं, मतलब घर के सामने बैठा हूं। अब कोई काम नहीं तो हमारे पास टाइम तो है ना, और अगर टाइम है तो उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं ना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज नहीं जाना, आपको कोचिंग नहीं जाना, आपको घर में बैठना है, और उसके साथ ही घर में बैठने के साथ आप करोगे क्या, आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। स्टडी में क्या स्टडी करो, अपना बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इतना स्ट्रांग कर लो कि किस दिन के बाद अगर आप कहीं पर जाते हो तो आपको फील आए कि नहीं मैंने कुछ किया है। जिसका वो स्ट्रांग हो वो सॉफ्टवेयर सीख लो। आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर कैसे सीखूं, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं जिनके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर घर बैठ के सीख सकते हो। मान लीजिए आपको वहां से समझ में नहीं आता क्योंकि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जैसे बहुत से लोग हैं, आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और कॉन्टेक्ट करके बात कर लो कि सर कैसे सीखूं। मैं आपको अलग अलग तरीके बता दूंगा, हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भी सिखाते हैं, आप घर पे बैठ के एक साथ सीख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में। और ये सब करके आपको फायदा ये होगा कि आपका स्किल स्ट्रांग हो जाएगा और 21 डेज का सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर आप अपने लाइफ में देखेंगे 21 डेज बहुत मायने रखता है। मैं आज कैमरा में से डायरेक्ट मोबाइल लेके आया क्योंकि मैं घर के सामने ही बैठा हूँ, तो आज मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है, सो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर मोबाइल होता तो आप इसको मैनेज करिएगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप 21 डेज को शेड्यूल करो। शेड्यूल किस तरीके से करना है, शेड्यूल करना है एक दिन आप क्या पढ़ो, एक दिन आप BBS के बारे में पढ़ लो, एक दिन आप पढ़ लो दूसरे टॉपिक जैसे कि मैनुअल डिज़ाइंस के बारे में, IAS कोर्स के बारे में। आप मेरे से मिलना, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, पूरा का पूरा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। घर पे बैठ के पढ़ो, घर से बाहर मत जाओ प्लीज़। 21 डेज खुद को कंट्रोल करो, खुद के फैमिली को कंट्रोल करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इस तरीके से करोगे तो आपका 21 डेज के बाद कुछ रिजल्ट और अच्छा हो सकता है। और अगर गलती से भी किसी के घर में भी कोई दुर्घटना हुई, खुदा न करे, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हुई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़ अपने घर वालों को समझाओ कि ये एक महामारी है। और दूसरे देशों को अगर हम देखें तो मैं आज coronameter.com वेबसाइट है उस पर चेक कर रहा था कि 563 आज का जो डाटा था 563 लोग इससे अभी तक हार्म हो चुके हैं इंडिया में। और ये आज का जो डाटा है वो है 26 लोग आज भी हुए, और अभी तो और अपडेट हुआ होगा, मैं मॉर्निंग का बता रहा हूँ। सो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और स्टडी करिए, घर पे टाइम मत वेस्ट करिए, अपना 21 डेज को दूसरे तरीके से देखिए कि मैं इसमें कुछ सीख सकता हूँ। और डेफिनेटली अगर कुछ आप सीखते हैं, मैं सीख रहा हूँ, मैं आपको खुद बताता रहता हूँ, मैंने रैबिट MEP का लगभग काफ़ी पोर्शन कवर कर दिया है और मैं उसको 21 डेज के अंदर तो बहुत आराम से कवर कर दूंगा। फिलहाल मेरा जॉब जो है वो वर्क फ्रॉम होम है, और फिर भी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग जॉब में हैं वो बोलते थे सर सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ साइड से, अब क्यों बहाने करते हो यार, अब बहाने नहीं, अब आप ड्रामेबाजी कर रहे हो। अगर आप अब कर रहे हो, अब आपके पास समय है, जो आप साइड पर मेहनत करते थे वही मेहनत आप किताब में कर दीजिए। हो सकता है 21 दिन के बाद आपका जो साइड का काम है उससे छुटकारा मिल के आप कहीं और अच्छी जगह पर बैठ सकते हैं। हो सकता है आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, हो सकता है आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप अपना 21 डेज दे देंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस 21 इसको यूटिलाइज करो और उसके बाद बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा। अगर नहीं समझ आता तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना 9792621121 पे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हो। कुछ भी डाउट है आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा जितना मेरे से हो सकता है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं 21 डेज तक आपको बताऊं कि किस दिन क्या पढ़ाया जाए जिससे कि हम लोग एक पूरा का पूरा बेसिक्स कंप्लीट कर सकें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। अगर 200 प्लस लाइक्स आ गए तो मैं एक शेड्यूल बना दूंगा आपके लिए, उस शेड्यूल में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बेसिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस दिन पढ़ो तो आपके लिए बेटर होगा। मतलब सीरीज कहाँ, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दूसरा कौन सा टॉपिक, तीसरा कौन सा टॉपिक, को भी डिस्कस कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।